नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ प्लस टू की फिजिक्स के बारे में। तो अपने अब तक जो पढ़ा है उसके अंदर कुछ बेसिक बातें पढ़ी हम लोगों ने, और अब जो अपने पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर आप सभी ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि अपने शुरू कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब अपने शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत के जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे शुरुआत के चार चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो स्थिर विद्युत की के, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये नहीं देखना होता कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे अपना छोड़ना चाहिए, इसे एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा गया, इसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कम से कम शुरुआत के चैप्टर में आपको ये नहीं सोचना होता है। क्यों नहीं सोचना होता है? क्योंकि इन शुरुआत के चैप्टर के अंदर जो दिया गया है वो बेसिक दिया गया है। अगर आप उसे छोड़ दोगे, आगे निकाल दोगे, तो आने वाले दिनों में जब आप लोग चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग छठे सातवें चैप्टर तक पहुँचोगे तो सातवें चैप्टर के अंदर आप चुंबक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, विद्युत धारा जो उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप लोग पढ़ना शुरू करोगे, उसमें ये बेसिक बातें बहुत ज़्यादा काम में आएगी कि दिशा वगैरह कैसे ज्ञात करनी है, टॉपिक में कितना कुछ लिखना होता है। तो शुरुआत की जो चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, जैसे आप लोग ये सोचो कि आपका चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र है और इससे पहले जो पढ़ा है वो क्या था, तो उससे पहले जो आपने पढ़ा था वो बेसिक था। हालांकि ये नहीं है कि उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत बार पूछा जाता है आवेश के बारे में, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो आप सभी जानते हो कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ये विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के या आवेशों के समूह के चारों और वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर पूरी परिभाषा लिखो तो आप लोग बोल सकते हो स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये जो बल लग रहा है ये आकर्षण प्रकृति का हो सकता है और ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो इसको जब अपने दर्शाना होता है तो गणितीय रूप में अपने इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। किसके रूप में परिभाषित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो अपने इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो पहले फॉर्मूले याद कर लो इन सभी के, और फॉर्मूलों से आप लोग चाहो तो परिभाषा बना सकते हो, या फिर परिभाषा याद रख लो और उससे फॉर्मूले बन जाते हैं। जीरो लिखा है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। फॉर्मूला पहले इसलिए लिखता हूँ मैं ताकि फॉर्मूले के अंदर जो बेसिक बातें आती हैं वो सब आपको बता दूं, और फॉर्मूले से परिभाषा अपने कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित। ये आपको जरूर लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये देखो ये क्या है, अपने पास में एकांक धनावेश है और इस पर जो बल लगेगा उसी को अपने क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। कैसे लिखा ये देखो, आप इस फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकते थे, रियल में तो आपको यही लिखना होता है। ये तो बिल्कुल शुरुआत में पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरा बता रहा हूँ आपको, इस सब का मतलब बताऊँगा ऐसा क्यों लिखा है। बाकी फॉर्मूला तो यही होता है, ई इक्वल एफ अपॉन क्यू, क्यू की जगह आप लोग अगर क्यू जीरो लिख दो तो क्यू जीरो क्या है, परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये धनात्मक और अल्प परिमाण का आवेश होता है जिसे अपने परीक्षण आवेश बोलते हैं। यहाँ देखो अगर आप लोग क्यू जीरो की जगह क्या लिख दो, एक लिख दो, तो
E किसके इक्वल हो जाता है, F के इक्वल हो जाता है। यानी अगर आवेश जो है उसका परिमाण एकांक हो तो एकांक परिमाण वाले आवेश के लिए जो बल होता है वो किसके इक्वल होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर परिभाषा की बात करें तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। और अगर दिशा की बात की जाए तो इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, तो इसकी दिशा जो है कौन सी दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये इसका क्या मतलब है, अपने लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो लिखा हुआ है, यानी अपना क्यू जीरो जो है वो किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है, जीरो की ओर क्या है ये अग्रसर है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये मान करके चलो कि आपके पास में इस जगह कोई एक आवेश था, ये उस आवेश के चारों ओर क्या है, एक क्षेत्र है। अगर ऐसा है तो कोई आवेश जब यहाँ पहुँचेगा, जैसे ये आवेश कहाँ पहुँच गया, इसके विद्युत क्षेत्र में पहुँच गया, तो जैसे ही ये इस जगह पहुँचेगा तो ये इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। अब अकेला बल क्यों ही नहीं लगाएगा, बल तो क्यू जीरो भी लगाएगा क्यू पर, यानी बल दोनों तरफ से लगेगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। परंतु अपने परीक्षण आवेश जो है, अपने पास में जो परीक्षण आवेश है, इसका मान इतना अलग होना चाहिए कि ये जो बल इस पर लगा रहा है वो बिल्कुल कम हो, यानी इसकी वजह से इसके विद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी क्यू जीरो की वजह से इसके विद्युत क्षेत्र के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपने इसका मान क्या लिखा है, बिल्कुल जीरो की ओर अग्रसर होता हुआ लिखा है, ये इसका मतलब है लिमिट का। वरना सामान्यतः अपने फॉर्मूला ये लिखते हैं ई इक्वल एफ अपॉन क्यू जीरो। एक आप लोग देखो, अगर सीधा फॉर्मूला लिखते तो आप लिख सकते थे ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। यहाँ से एफ वेक्टर का अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो क्यू जीरो ई वेक्टर। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है आप लोगों को, अगर नहीं भी रखोगे तो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर है इस फॉर्मूले के बिना सोल्व भी नहीं होंगे। तो एफ इक्वल क्यू जीरो ई वेक्टर, ये किसका फॉर्मूला है, ये बल का फॉर्मूला है, और साथ में क्या लिखा है अपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी लिखा है। यानी इन दोनों का जो फॉर्मूला लिखोगे उसमें किसका फ़र्क आएगा, क्यू जीरो का फ़र्क आएगा। यानी इस फॉर्मूले, अगर ई वेक्टर के फॉर्मूले को क्यू जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे वो किसका बन जाता है, वो एफ का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, एफ इक्वल क्यू ही बल का सूत्र है। अपने बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इतनी सारी बातें करने के बाद में अपने बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक और विमा के बारे में। ठीक है, मात्रक और विमा, देखो E इक्वल क्या है, F अपॉन क्यू जीरो है। देखो क्यू जीरो परीक्षण आवेश ले रखा है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, परीक्षण आवेश की जगह क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव सीधा क्यू कुछ भी आ सकता है। बस अपने अलग दिखाने के लिए कि जहाँ भी क्यू जीरो लिखा हुआ आएगा आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका परीक्षण आवेश है। वरना जरूरी नहीं है कि क्यू जीरो या क्यू नोट लिखो, आप क्यू क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो है वो क्या है, परीक्षण आवेश है। यानी ये जो बल लगा रहा है ये लगा किस पर रहा है, उस परीक्षण आवेश पर लगा रहा है। तो अपने लिखा है ई इक्वल एफ अपॉन क्यू। अगर मात्रक की बात करो तो ये बल लिखा हुआ है, बल का मात्रक सभी को पता है। ठीक है, अगर ना पता हो तो पता जरूर कर लेना कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन लिख दिया, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक बन गया वो क्या बन गया, न्यूटन पर कूलाम बन गया। ये किसका मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विमा अगर लिखना चाहो आप लोग तो ये क्या है, न्यूटन है। आप सभी को याद होना चाहिए m1 l1 t माइनस का 2, m1 l1 t माइनस का 2, ये किसकी विमा है, बल की विमा है। विमा के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे सामान्यतः आप लोग विमा निकाल लोगे
जैसे ये सूत्र है, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, बीमा निकाल सकते हो। पर सभी बीमाएँ जो है वो निकाल करके नहीं देखनी है, हालांकि आप चाहो तो बल्कि बीमा निकाल करके देख सकते हो, एफ इक्वल एम ए, फिर आप ए की बीमा निकाल करके देख सकते हो वी अपॉन टी से, फिर आप वी की बीमा निकाल करके देख सकते हो एस अपॉन टी से, ठीक है। फिर टोटल जो आपका पेपर होगा उसमें आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो बीमा का होगा। तो अपने बात कर रहे हैं कूलाम की, कूलाम की अगर बात करें तो आई इक्वल क्यू अपॉन टी, आई धारा है तो ये आएगा आई इंटू टी, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो ए इंटू टी। ये किसकी बीमा है, ये आवेश की बीमा है, जो किस पर डिपेंड करती है, धारा पर और समय पर डिपेंड करती है। तो यहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, ए और टी वन लिख सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो टी और ए वन, और इसे जब आप लोग सोल्व करोगे ये बनेगा एम वन और एल वन, टी की पावर ये ऊपर चली जाएगी माइनस तीन और ए की पावर माइनस की एक, ठीक है। तो एम वन एल वन टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये किसकी बीमा आ जाती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आ जाती है, ठीक है। तो सीधी सीधी आप लोग लिख सकते थे बिना कैलकुलेशन के, अगर आपके याद हो कि एम वन एल वन टी माइनस टू, इतनी तो बीमा किसकी आ गई, बल की आ गई। और जो आप आवेश का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें एक धारा आती है, एक समय आते समय आता है और अपॉन में आ रहा है, तो समय की बीमा सीधी कितनी आ जाएगी, माइनस का तीन, और ए बाद में आ रहा है तो ए की पावर माइनस वन आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा लिख सकते हो। कुछ एक बातें अपने दिशा के बारे में करनी है कि इसकी दिशा आपने किस प्रकार से लेंगे, एक तो ये याद रखोगे इसकी दिशा बल की दिशा में होगी। आप ये भी जरूर ध्यान रख लेना कि जब अपने फर्स्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ो उसमें आपको दिशा का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दिशा का आधा नंबर दिया हुआ मिलता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लिख दोगे तो फॉर्मूले के बाद में एक तो आपको मात्रक जरूर लिखना है, और अगर वो सदिश राशि है तो उसकी दिशा जरूर लिखनी है, अन्यथा आपका आधा नंबर जो है वो यहाँ से काट लिया जाएगा। सिर्फ किस बात के लिए कि आपने दिशा नहीं लिखी है। देखो दिशा कैसे लिखते हैं, अगर धनावेश की बात करें, अगर आपके पास में किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है, तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होती है। धनावेश के लिए दिशा किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है। और अगर बात करो आप ऋणावेश की, तो ऋणावेश के लिए दिशा हमेशा कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है। ये किसके लिए, ये ऋणावेश के लिए। तो धनावेश के लिए बाहर की ओर है, और ऋणावेश के लिए दिशा जो है वो किस ओर है, वो अंदर की ओर है। तो ये अपने धनावेश और ऋणावेश के लिए दिशा आ जाती है। एक आप लोगों को दिशा याद रखनी, देखो इसे ढंग से याद रख लेना कि धनावेश के लिए हमेशा दिशा बाहर की ओर होती है, और ऋणावेश के लिए दिशा जो हमेशा अंदर की ओर होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार अपने इसे काम में लेने वाले हैं। एक आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास में गोलीय आवेश हो, ये गोलीय आवेश आपके पास में, अगर इसकी दिशा की बात करोगे तो इसकी दिशा हमेशा किस ओर आएगी, बाहर की ओर आएगी। इस प्रकार से दिशा किस ओर आएगी, बाहर की ओर आएगी। और ये बाहर की ओर जो दिशा आ रही है, ये इसकी त्रिज्यीय दिशा में होती है। जो अपने त्रिज्यीय दिशा लेते हैं, त्रिज्यीय दिशा उस ओर होती है। त्रिज्यीय का मतलब होता है त्रिज्यीय के अनुदिश। जैसे इस गोले की अगर आप त्रिज्यीय देखो, अगर ये इसे आप केंद्र मान लो और इसके अंदर से इसकी त्रिज्या खींचो, इस ओर दिशा आएगी, इस ओर आएगी। जितनी इसकी त्रिज्याएँ आएगी, उन त्रिज्या को आगे बढ़ाने से बाहर की ओर जो दिशा आएगी वो धनावेश के लिए आएगी। और ऋणावेश के लिए अगर दिशा की बात करोगे तो ऋणावेश के लिए वही दिशा किस ओर आएगी, अंदर की ओर आएगी। ये दिशा भी क्या होती है, त्रिज्य होती है, त्रिज्य दिशा, और किस ओर, अंदर की ओर। तो ये अपने धनावेश के लिए, ऋणावेश के लिए गोलीय धनावेश, गोलीय ऋणावेश, और ये सीधा धनावेश और ऋणावेश। धनावेश के लिए दिशा बाहर की ओर, और ऋणावेश के लिए दिशा अंदर की ओर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तीव्रता का मतलब एकांक धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम है इसका, ठीक है। और दिशा धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश से अंदर की ओर, और अगर गोलीय आवेश हो तो त्रिज्या के अनुदिश
प्लस के लिए बाहर की ओर और माइनस के लिए अंदर की ओर। तो ये इसकी क्या आ जाती है, दिशाएं आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट अपने है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपना जो टॉपिक है वो है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई वेक्टर जो है उसका मान अपने ज्ञात कर रहे हैं, और किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, बिंदुवत आवेश के लिए ज्ञात कर रहे हैं। शुरुआत की वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक तो बताया था बिंदु आवेश के बारे में, एक बताया था परीक्षण आवेश के बारे में। परीक्षण आवेश के बारे में एक दो बार अपने पढ़ चुके हैं, और अब यहाँ पर अपना जो टॉपिक आ गया वो क्या आ गया, बिंदुवत आवेश आ गया, कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले देखो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक बिंदुवत आवेश मानते हैं। क्यों क्या है, अपने पास में एक बिंदुवत धनावेश है, क्योंकि अपने एक बिंदुवत आवेश है। ठीक है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर क्या है, एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा हुआ है, परीक्षण आवेश क्यू जीरो लिखा हुआ है। परीक्षण आवेश क्यू जीरो लिखने का मतलब आपको पता लग गया होगा कि अपने जो बल देख रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, वो किस पर देख रहे हैं, वो अपने क्यू जीरो पर देख रहे हैं। ठीक है, ये जगह दूरी है। तो सबसे पहले अपने दिशा की बात कर लेते हैं कि ये जो परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, इस पर क्योंकि वजह से जो बल लग रहा है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, उसकी दिशा कहाँ आएगी। तो देखो कहाँ आएगी, कहाँ नहीं चाहिए इसकी दिशा, इसकी दिशा अभी मैंने आपको बताया कि धनावेश के लिए दिशा कहाँ आती है, धनावेश से हमेशा बाहर की ओर आती है। ठीक है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये तो परीक्षण आवेश है। ठीक है, इस पर तो अपने देख रहे हैं कि बल किस दिशा में लगेगा, तो सबसे पहले आपको क्यू के लिए दिशा देखनी है, तो क्यू से बाहर की ओर, क्यू से बाहर किस ओर, तो किस ओर दिशा आएगी जिस पर अपने को बल देखना है, तो क्यू से दिशा किस ओर आएगी, क्यू जीरो की ओर। ये क्या है, ये ई वेक्टर की दिशा है। ठीक है, कैसे निकालिए, जो अपने धनावेश होता है उससे हमेशा दिशा जो किस ओर आती है, बाहर की ओर आती है, बाहर की ओर किस ओर आएगी, जिस ओर अपना परीक्षण आवेश जो है वो रखा हुआ है, तो इससे दिशा अपने किस ओर आ गई, ई वेक्टर की ओर आ गई। अब देखो अगर ये जैसे परीक्षण आवेश यहाँ रख देता, परीक्षण आवेश इसकी बजाय यहाँ रख देता, तो दिशा इस ओर आ जाती, परीक्षण आवेश इस ओर होता, ये दिशा इस ओर आ जाती, अगर परीक्षण आवेश इस ओर होता तो दिशा जो है वो इस ओर आ जाती। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिल्कुल ऐसा ही बनाओ, इसी प्रकार से दिशा लगाओ, आपको ध्यान रखना है धनावेश से हमेशा बाहर की ओर, और किस ओर, जिस ओर अपना परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने, सबसे पहले अपने को इसके अंदर कुछ एक थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी कैसे लिखते हैं वो आपको बता देता हूँ। आप जो डायग्राम बना रहे हो वो डायग्राम आपने किस प्रकार से बनाया है, बस उसी के बारे में लिखना होता है। जैसे अपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि अपने पास में एक धनावेश क्यू है जो बिंदु ए पर रखा हुआ है, और अपने को एक परीक्षण आवेश Q0 जो बिंदु P पर रखा है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो अपने A से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और इसकी दिशा जब अपने ज्ञात करते हैं तो A पर जो आवेश रखा है वो धनावेश है, धनावेश से दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, इसलिए इसकी दिशा जो है वो A से P की ओर और बाहर की ओर आ जाएगी। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर कूलम्ब का नियम
लगाओगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने कुलाम के नियम से, कुलाम के नियम से। अब आपकी मर्जी है कि आप सदिश रूप लेकर के सोल्व करो इसे, या आप इसे सीधा परिमाण लेकर के सोल्व करो, पर जब टॉपिक खत्म होगा तब आपको इसका सदिश रूप जरूर लिखना होगा। तो सबसे पहले सदिश रूप को ही ले लेते हैं अपने। तो ये कुलाम के नियम से, कुलाम का नियम यदि आप इस पर लगाओ तो क्या लिखोगे, एफ वेक्टर इक्वल के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, एफ वेक्टर इक्वल के क्यू क्यू जीरो आर स्क्वायर और आर के, ये मान लेते हैं अपने पास में समीकरण एक आ जाती है, ठीक है। ये किसका मान है, ये एफ वेक्टर का मान है। अब देखो, अब अपने आप लोग लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E वेक्टर इक्वल, अब लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगानी है, वो सिर्फ इसलिए बताई थी कि ये जो आवेश है इसका मान बिल्कुल अलग है, F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। E वेक्टर का मान कितना, F वेक्टर अपॉन Q0, और इसे मान लेते हैं समीकरण दो। और आगे क्या लिखोगे, समीकरण दो में, समीकरण दो में, समीकरण एक से, समीकरण एक से एफ वेक्टर का मान रखने पर, एफ वेक्टर का मान रखने पर, तो समीकरण दो से आप लोग क्या कर दोगे, एफ वेक्टर का इसमें मान लिख दोगे। जैसे ही आप लोग इसमें मान लिखोगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल। वैसे तो देखो ये एफ वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, आप लोग जैसे ही यहाँ पर ये मान रखोगे, ये क्यू जीरो इस क्यू जीरो को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये इसे निरस्त करेगा, आपके पास में बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और आर कैप, ठीक है। देखना ढंग से, ये जो एफ वेक्टर मैंने लिख रखा है, इसे यदि मैं यहाँ लिखूँगा तो इसमें किससे भाग चला जाएगा, क्यू जीरो से भाग चला जाएगा। अगर क्यू जीरो से इसमें भाग जाएगा तो यहाँ से क्यू जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये ई वेक्टर का क्या आ गया, अपने पास में मान आ गया। अगर आप लोग इसे लिखो परिमाण के रूप में, किसके रूप में, परिमाण के रूप में, तो इसे आप लोग क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे ई इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये किस रूप में, इसके परिमाण के रूप में है। तो ये अपने किसका सूत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। दिशा अगर आप लोगों को इसकी बतानी हो तो इसकी दिशा बिल्कुल शुरुआत में ही अपने बात कर ली, इसकी दिशा ए से पी की ओर है, यानी जो धनावेश है उससे बाहर की ओर क्या है, अपने पास में इसकी दिशा है। अगर आप लोगों को बोला जाए इसका ग्राफ खींचने के लिए, तो आप लोग इसका ग्राफ खींच सकते हो। एक तो आप ई और आर के बीच में खींच सकते हो, एक आप लोग चलो एक बटा आर स्क्वायर के लिए खींच देते हैं एक तो, और एक अपने ई और आर स्क्वायर के बीच में खींच देते हैं, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ से देखो तो आर स्क्वायर जो है वो ई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो जो ग्राफ आएगा ये किसका आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का जाएगा। अगर यहाँ पर पावर एक होती तो ये डाल जो है इसे थोड़ा कम कर देते, अब पावर दो है तो इस डाल को अपने थोड़ा क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो ये तो ई की और आर स्क्वेयर के बीच में ग्राफ है, पर अगर आप ई और एक बटा आर स्क्वेयर के बीच में ग्राफ खींचो तो एक बटा आर स्क्वेयर लिखने का मतलब हो गया ये आपने इसे क्या लिख दिया है, समानुपाती के रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ई और एक बटा आर स्क्वेयर के बीच में ग्राफ आ गया, ठीक है। तो आपके पास में दो ग्राफ प्राप्त हो गए, एक तो आपका जो ग्राफ आया है वो आया है ई और एक बटा आर स्क्वेयर के बीच में, और एक जो ग्राफ आया है वो ई और आर स्क्वेयर के बीच में आया है, ठीक है। तो यहाँ से ही इसके क्या आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं। पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर हटाऊँगा इसे। देखो, एक तो आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी लिख देनी है, और सबसे पहले आपको यहाँ पर कुलाम का नियम लगाना है, एफ वेक्टर इक्वल के क्यू क्यू जीरो आर स्क्वेयर और आर के, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। और जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ई का मान रखोगे तो
तो आपके पास में ये टर्म आएगी, उसके बाद में ये आ जाएगी और फिर ये आ जाएगी, ठीक है। और ग्राफ अगर आप लोग बनाना चाहो तो ये तो आपको ग्राफ ज़रूर बनाना है, ई और आर स्क्वायर के बीच में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए और आर के बीच में ग्राफ खींचे, ई और आर स्क्वायर के बीच में, और ये ग्राफ भी आप लोग अगर एक बटा आर स्क्वायर के बीच में आपसे ग्राफ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या आ जाता है, इसके समानुपाती आ जाता है, ठीक है। और अगर बीच वाली वो लाइन आप लिखना चाहो तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिख देते के क्यू क्यू जीरो आर स्क्वायर आर के और एक बटा क्यू जीरो, ठीक है। फिर ये क्यू जीरो कैंसिल हो जाता और वहाँ आ जाता, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि सीधा सीधा अगर आपको ये याद रखना हो तो आप इसे किस प्रकार से करोगे, इस जगह लिख देता हूँ, देखना। हालांकि एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्यू क्यू जीरो आर स्क्वायर किसका सूत्र है, बल का सूत्र है। ई इक्वल क्या होता है, एफ अपॉन क्यू जीरो, तो ई इक्वल क्या आ जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास में, ई का आ गया जो अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखो तो ये तीन जो लाइनें हैं ये टोटल इस टॉपिक के बारे में बता रही है। पर एग्जाम में आपको डायग्राम भी इसका बनाना है, ये बात जरूर ध्यान रखना, डायग्राम सबसे पहला काम आपका हुआ। स्थिर विद्युत की जो शुरुआत के जो आप चैप्टर पढ़ो या बाद के भी अगर आप लोग पढ़ो तो आप जो डायग्राम बनाते हो ना उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपकी जो कैलकुलेशन है वो सोल्व होती है। जैसे यहाँ पर ये भी तो लिख सकता था कि ये Q1 हो और ये क्या हो, Q2 हो, तो अगर ये Q1 Q2 होता तो ये Q1 Q2 आ जाता, यहाँ Q1 Q2, यहाँ दोनों में से कोई एक कैंसिल हो जाता और एक बस जाता, या तो Q1 आ जाता या Q2 आ जाता, डिपेंड करता कि उनमें से परीक्षण आवेश आपको किसने लिया। अगर Q2 को परीक्षण आवेश लिया है तो Q2 हट जाता, Q1 परीक्षण आवेश है तो यहाँ से क्या हट जाता, Q1 हट जाता। ये आपका टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक टॉपिक और बता देता हूँ आपको, वो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत अगर आप सीधा देखना चाहो तो सीधा सीधा तो आप लोग जहां पर मैंने सदिश रूप बताया कूलम्ब के नियम का, उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, बस उसी के अंदर आपको पूरी लाइन के अंदर क्यू जीरो का भाग दे देना है, उससे आपका ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। तो अब अपनी बात कर लेते हैं बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ये x है, ये y है, ये o है, ठीक है। इस जगह अपना क्या है, एक परीक्षण आवेश q0 रखा हुआ है, और ये जो दूरी अपने क्या ले रखी है, ये r0 वेक्टर ले रखी है। इसके बाद में आपको एक अन्य आवेश लेना है, इस जगह मान लिया एक अन्य आवेश लिखा हुआ है, आज शायद डायग्राम ही बने इसका, समय देख लेता हूँ, ठीक है, डायग्राम ही बनेगा, डायग्राम बना देता हूँ इसका। तो ये एक आवेश Q1 है और इस जगह क्या है, R1 वेक्टर है। तो सबसे पहला काम आपका वही रहेगा कि आप इस प्रकार से यहाँ क्या लो, इसकी दिशा लो, ये दिशा किसकी आएगी, ये E01 वेक्टर की आएगी। दिशा मैंने आपको पहले ही बता दी है कि दिशा अगर आप लोग इसकी लिखो तो किस प्रकार से लिखोगे, जैसे आपने बल की दिशा लिखी थी बिल्कुल वही इसकी दिशा आ जाएगी। एक आवेश आप इस तरफ ले लो, ये Q2, अगर आप डायग्राम मिला करके देखोगे तो ये बिल्कुल उसी के जैसा डायग्राम बन रहा है जैसा डायग्राम अपने पीछे बनाया था, ठीक है। सीधा एन ले लेता हूँ, जैसे डायग्राम थोड़ा छोटा बने, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो वेक्टर आएगा, ये आएगा आर एन वैक्टर, ठीक है। ये आर जीरो वैक्टर है, ये आर वन वैक्टर है, ये आर एन वैक्टर है, और ये क्या आएगा, आर टू वैक्टर आएगा। सीधा सीधा बता देता हूँ, पहले तो आप लोगों ने बल वाले टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था, एफ वैक्टर का जब मान निकाला था आपने लिखा था के और क्यू जीरो स्मिशन क्यू आई आर जीरो आई की स्क्वेयर और आर जीरो आई के, ये आप लोगों ने लिखा था बल का फॉर्मूला, ठीक है, जैसे पीछे टॉपिक किया था। इसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, पर फॉर्मूला बता देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ वेक्टर अपॉन
Q0, यहाँ से Q0 इसकी वजह से क्या हो जाएगा कैंसिल, और E वेक्टर जो है